हे गाइस, वेलकम वंस अगेन आवर ऑन चैनल इंग्लिश बाय अभिषेक शर्मा। दोस्तों, आज के सेशन में हम आपके बीच बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी हैंडर मार्क्स एवं इंग्लिश हैंडर मार्क्स की संपूर्ण कोर्स को लेकर चलाया हूँ। आई होप आज का सेशन आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल लगे। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के सेशन में चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से क्वेश्चंस आए हैं। तो दोस्तों, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी हैज रिटन द लेशन, मतलब महात्मा गांधी कौन से पाठ को लिखे हैं। ऑप्शन ए आई हैव अ ड्रीम, ऑप्शन बी द आर्टिस्ट, ऑप्शन सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन डी द अर्थ। दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। दूसरा क्वेश्चन है, फारोस वेयर रूलर्स वेयर एसियंट, मतलब फारोस कहाँ के पुरातन शासक थे। ऑप्शन ए रूसिया, बी इजिप्ट, सी इंडिया, डी ग्रीस। दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी इजिप्ट। तीसरा क्वेश्चन है, डॉट 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 वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, ऑप्शन ए अमेरिकन, बी अफ्रीकन, सी ईरानियंस, डी फारोज। दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी फारोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट अ, मतलब सभ्यता किसकी विकास की गति होती है। ऑप्शन ए पीपल, बी एनिमल, सी वर्ड, डी नॉन लिविंग थिंग्स। दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिबन इज एसोसिएट विथ, मतलब गिबन किससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए इटली, बी स्वीडन, सी रूसिया, डी अमेरिका। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन सिविलाइजेशन बिल मींस डॉट 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 फॉर इंडिया, मतलब यूरोपियन सभ्यता का मतलब भारत के लिए क्या है। ऑप्शन ए वांट, बी लिविंग, सी रियल, डी रेन। इसका
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, मतलब सादा जीवन उच्च विचार किसकी आदर्श वाक्य है। ऑप्शन ए वेस्टर्न फिलोसोफर, बी ईस्टर्न फिलोसोफर, सी नॉर्थ फिलोसोफर, डी नन ऑफ दीज। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ए वेस्टर्न फिलोसोफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, मतलब बलिदान हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है या किनके द्वारा कहा जाता है। ऑप्शन ए फिलोसोफर के द्वारा, बी फार्मर्स, सी ऋषिज, डी साइंटिस्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी ऋषिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट 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 इज डेट अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मतलब पश्चिमी सभ्यता के अंधा अनुकरण के खिलाफ कौन मर चुके हैं। ऑप्शन ए नेहरू जी, बी गांधी जी, सी पटेल, डी अंबेडकर। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट 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 वेयर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, मतलब कौन छोटे से गांवों कस्बों में संतुष्ट महसूस करते हैं। ऑप्शन ए आवर असिस्टेंट्स, बी जर्मन्स, सी रोम्स, डी इटालियंस। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए आवर असिस्टेंट्स का मतलब होता है हमारे पूर्वज, तो हमारे पूर्वज लोग छोटे से गांवों में रहना संतुष्ट मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू वी मोर डॉट 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 टूवर्ड्स वन अनदर, मतलब सभ्यता हमें एक दूसरे के प्रति क्या रहना सिखाती है। ऑप्शन ए एनिमी, बी एंग्री, सी अपसेट, डी फ्रेंडली। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर असिस्टेंट एंजॉयड डॉट 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 रूल, मतलब हमारे पूर्वज को कौन से नियम में आनंद आते थे। ऑप्शन ए नाइश, बी सोसाइटी, सी होम, डी नेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक अ डॉट 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 हैप्पी। ऑप्शन ए वर्ल्ड, वी मैन, सी काउ, डी डॉग। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी मैन, मतलब वेल्थ और लग्जरियस का मतलब है कि विलासिता एवं आरामदायक जिंदगी लोगों को भय खुशी नहीं पहुंचा सकती है। इट मीन्स कि यहाँ पर बी ऑप्शन मैन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, गांधी जी चंपारण कब गए थे। ऑप्शन ए 1915, बी 1916, सी 1917, डी 1918। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डॉट 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 एंड रोम राइटर्स, मतलब यूरोप के लोगों
किसके प्रति प्रेरित हुए थे? ऑप्शन ए ब्रिटिश के प्रति, बी ग्रीक के प्रति, सी जर्मन, डी इंडियन। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्वेंशन ऑफ डॉट 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 प्रोवाइड अ मिलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, मतलब किसके आविष्कार हमारे विकास में एक मील का पत्थर साबित हुआ? ऑप्शन ए फायर, बी एग्रीकल्चर, सी कारपेंट्री, डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही रोट डिफरेंस आर्टिकल फोर, मतलब उन्होंने किसके लिए विभिन्न लेखों को लिखे? उन्होंने के मतलब है गांधी जी। ऑप्शन ए द हिंदू, बी द टाइम्स ऑफ इंडिया, सी द ब्लिजेट, सी यंग इंडिया। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आर टू मैन।
क्वेश्चन है आवर असिस्टेंट्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम, मतलब हमारे पूर्वज हम लोगों को किन सारी चीज़ों से दूर रखे हैं। ऑप्शन ए पॉलिटिक्स से, बी लग्जरियस एंड प्लेजर से आराम और विलासिता वाली जिंदगियों से, सी मोरालिटी से नैतिकता से, डी स्पिरिचुअलिटी से मतलब आध्यात्मिकता से। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, लग्जरियस एंड प्लेजर से मतलब आराम और विलासिता वाली जिंदगियों से हमारे पूर्वज दूर रखना चाहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल इन एशियंट डेज वेयर सेटिस्फाइड विद, मतलब प्राचीन कालों के दिनों में लोग किनके साथ रहना संतुष्ट महसूस करते थे। ऑप्शन ए टाउन्स मतलब शहरों में, सिटीज बड़े शहरों में मेगा सिटीज, डी विलेजेस मतलब गांवों में। इसका मतलब है कि विलेजेस में, जैसे कि पूर्वज लोग प्राचीन कालों के दिनों में गांव में रहना संतुष्ट फील करते थे, संतुष्ट महसूस करते थे। इसका मतलब डी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर फोर फादर्स सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्नोट वेयर इन्फेरियर टू, मतलब हमारे पूर्वजों ने देखा कि राजा और उनकी तलवार किससे नीची होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन है द स्नोट फॉर एथिक्स, बी स्नोट फॉर पॉलिटिक्स, सी द स्नोट फॉर इकोनॉमिक्स, डी द स्नोट ऑफ थ्रिक्लेरी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए द स्नोट ऑफ एथिक्स, मतलब नैतिक के तलवारियों को धारों के नीचे उनकी क्या रहती थी भाई, तो हमारे पूर्वजों ने देखा कि राजौर और उनकी तलवारों की धार नैतिकता के तलवारों की धार से नीची रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एशियंट डे द कॉमन पीपल फॉलोड, मतलब प्राचीन कालों के दिनों में साधारण व्यक्ति किसे अपनाया करते थे। ऑप्शन ए बिजनेस को, बी एग्रीकल्चर, सी इंडस्ट्रीज, डी पॉलिटिक्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, मतलब आधुनिक सभ्यता किसकी पूजा है। ऑप्शन ए मटेरियल्स का, बी एथिक्स का, सी ब्रदरहुड का, डी इक्वालिटी का। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए मटेरियल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय, मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति किनके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए पंडित नेहरू, बी एम गांधी इट मीन्स महात्मा गांधी, सी हुसैन इट मीन्स डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी नॉन ऑफ दिस इन्होंने नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी एम गांधी इट मीन्स महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एशियंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड एंजॉयड, मतलब भारतीय सभ्यता में लोग पुरातन दिनों के दौरान किन चीजों में लोग एंजॉय करते थे, आनंद लेते थे। ऑप्शन ए कोर्ट रूल्स, बी स्लेवरी, सी ट्रू होम रूल, डी फॉरेन रूल। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी ट्रू होम रूल। ट्रू होम रूल में
पुरातन जीवों में लोग वहां एंजॉय महसूस करते थे, आनंद फील करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिब्रेट। ऑप्शन ए इमोरालिटी, बी पार्टिलिटी, सी मोरल विंग, डी डिसऑनेस्टी। मतलब भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति किसे बढ़ाया गया है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नैतिक अस्तित्व, इट मीन्स सी ऑप्शन मोरल विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन इज, भारतीय सभ्यता है गॉडलेस, बी वेस्ट ऑन बिलीव इन गॉड, सी वेस्ट ऑन पार्टिलिटी, डी वेस्ट ऑन मैटर। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी वेस्ट ऑन बिलीव इन गॉड। भारतीय सभ्यता भगवान के भरोसे आधारित है। सो दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि और भी आगे के आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।